1986 में आदित्य पंचोली की पहली मूवी आई सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, और भाई सब ये मूवी डिजास्टर रही। 1988 में आदित्य की दूसरी मूवी आई दयावान, और ये मूवी हिट रही। इसी साल इनकी तीसरी मूवी आई मालामाल, और भाई सब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई धर्मयुद्ध, और भाई सब ये मूवी हिट रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई कब तक चुप रहूंगी, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई खून बहा गंगा में, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई कतली, और ये मूवी फ्लॉप रही। 1979 में आदित्य पंचोली की मूवी आई मोहब्बत का पैगाम, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई कहां है कानून, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जादूगर, और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई लश्कर, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई देश के दुश्मन, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई लड़ाई, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। 1990 में आदित्य पंचोली की मूवी आई आवारागर्दी, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई सैलाब, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। वैसे दोस्तों ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद आदित्य की मूवी आई महासंग्राम, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई तकदीर का तमाशा, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई अव्वल नंबर, और भाई साहब ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गुनाहों का देवता, और ये मूवी एवरेज रही। वैसे दोस्तों ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई प्यार का तूफान, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई आसकी। दोस्तों इस मूवी में आदित्य की वॉइस का इस्तेमाल किया गया था, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। दोस्तों ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद आदित्य की मूवी आई वीरू दादा, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई जख्मी जमीन, और ये मूवी भी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई आतिशबाज, और ये मूवी भी एवरेज रही। 1991 में आदित्य पंचोली की मूवी आई जीवनदाता, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई अकेला, और ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई साथी, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। दोस्तों आदित्य पंचोली की ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। इसके बाद इनकी मूवी आई शिवराम, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई दुश्मन देवता, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई पाप की आंधी, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई विष्णु देवा, और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई हफ्ता बंद, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई नामचीन, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई लाल परी, और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 1992 में आदित्य पंचोली की मूवी आई याद रखे की दुनिया, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई सहजादे, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई तहलका, और ये मूवी हिट रही। 1993 में आदित्य पंचोली की मूवी आई चोर और चांद, और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बॉम्ब ब्लास्ट, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई मुकाबला, और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई गेम, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई जान पर खेलकर, और ये मूवी हिट रही। वैसे दोस्तों ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी थी। इसके बाद आदित्य की मूवी आई तहकीकात, और ये मूवी फ्लॉप रही। मुझे तो ये मूवी भी काफी बढ़िया मूवी लगी थी। 1994 में आदित्य की मूवी आई आतिश, और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। 1995 में आदित्य की मूवी आई रामशस्त्र, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई रावण राज, और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई गैम्बलर, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई सुरक्षा, और ये मूवी एवरेज रही। 1996 में आदित्य की मूवी आई खिलौना, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई जोरदार, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई मुकदमा, और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई माफिया, और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई जंग, और ये एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई एक था राजा, और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 1997 में आदित्य की मूवी आई यस बॉस, और ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हमेशा, और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद
आदित्य की मूवी आई जोड़ीदार और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई गुंडागर्दी और ये मूवी फ्लॉप रही। 1998 में आदित्य पंचोली की मूवी आई जंजीर और भाई सब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई देवता और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई मिलिट्री राज और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हफ्ता वसूली और ये मूवी डिजास्टर रही। 1999 में आदित्य पंचोली की मूवी आई आया तूफान और भाई सब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बेनाम और ये मूवी भी फ्लॉप रही। साल 2000 में आदित्य पंचोली की मूवी आई भाई नंबर वन और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बागी और ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई जंग और भाई सब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई तरकीब और ये मूवी फ्लॉप रही। साल 2001 में आदित्य पंचोली की मूवी आई बगावत एक जंग और ये मूवी फ्लॉप रही। 2002 में इनकी मूवी आई ये दिल है आशिकाना और ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई आंखें और भाई सब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई गौतम गोविंदा और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई जानी दुश्मन और ये मूवी फ्लॉप रही। 2003 में आदित्य पंचोली की मूवी आई चलते चलते और भाई सब ये मूवी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई बॉर्डर हिंदुस्तान का और भाई सब ये मूवी डिजास्टर रही। 2004 में आदित्य की मूवी आई मुसाफिर और भाई सब ये मूवी फ्लॉप रही। 2010 में आदित्य पंचोली की मूवी आई स्ट्राइकर और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई दम मारो दम और ये मूवी फ्लॉप रही। 2011 में आदित्य पंचोली की मूवी आई बॉडीगार्ड और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2012 में आदित्य की मूवी आई रुस और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई इडियट और भाई सब ये मूवी सुपरहिट रही। इसके बाद आदित्य की मूवी आई हृदयनाथ और ये मूवी एवरेज रही। साल 2013 में आदित्य पंचोली की मूवी आई मुंबई मिरर और ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी मूवी आई रेस 2 और ये मूवी सेमी हिट रही। 2014 में आदित्य पंचोली की मूवी आई जय हो और भाई सब ये मूवी सेमी हिट रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ढिशकिया और ये मूवी डिजास्टर रही। 2015 में आदित्य पंचोली की मूवी आई हीरो और ये मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों ये मूवी आदित्य के बेटे की है। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई बाजीराव मस्तानी और ये मूवी हिट रही। इसके बाद आदित्य पंचोली की मूवी आई मुंबई कांड डांसवाला और ये मूवी डिजास्टर रही। 2016 में इनकी आखिरी मूवी आई भूरी और ये मूवी डिजास्टर रही। तो दोस्तों ये था आदित्य पंचोली का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।